ताजमहल होटल हम सभी को पता है बॉम्बे का सबसे मशहूर होटल अगर कोई है तो वो द ताज होटल है इसकी क्या कहानी है ऐसे कौन से इसने बेमिसाल काम कर दिए थे कि ताज होटल आज इतना फेमस है जानेंगे हम इसके बारे में हे गाइस दिस फ्रॉम बिजनेस लेट्स गेट स्टार्टेड ताज होटल बॉम्बे का सबसे फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स है लेकिन इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको पता नहीं हो सबसे पहला और सबसे चौंका देना वाला फैक्ट जो है मुझे भी जब पता चला था मैं हैरान था हम सभी को बताया जस्ट बैंक ऑपोजिट गेटवे ऑफ इंडिया है अब ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये भी इतना पुराना नहीं है जितना पुराना ताज होटल है यानी कि ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया के से भी पहले बन चुका था जमशेद जी टाटा ने इन्हें बनवाया था और यह पहला ऐसा होटल था बॉम्बे में जहां पर बिजली आती थी यानी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती थी पहला ऐसा होटल बना जहां पे स्टीम डेलीवेटर चलते थे इससे पहले बॉम्बे में कभी स्टीम डेलीवेटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था यह पहला ऐसा होटल बना इंटरेस्टिंगली इस होटल में तभी अगर आप हिसाब लगाएं उस जमाने के हिसाब से तो एक कमरे की कॉस्ट होती थी दस पर नाइट अब आप सोचेंगे दस उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करते थे दस क्योंकि तब ज्यादातर काम चवन्नी अठन्नी आने एक आना आधा आना उसमें काम चलता था लोगों का तो दस रुपये पर नाइट का वहाँ पे कॉस्ट था और आज अगर आप देखेंगे सबसे सस्ता कमरा भी लगभग तैंतीस हजार का होता है और अगर उस जमाने में आपको आपके कमरे में अटैच बाथरूम चाहिए और पंखा चाहिए तो तेरह रुपए पर नाइट उस होटल का एक रूम का कॉस्ट होता था लेकिन इस होटल को बनाने के पीछे वजह क्या थी अब कई लोग कहते हैं कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक होटल बनाया था जिसका नाम था वाटसन आज भी वॉटसन खंडहर की तरह बॉम्बे में मौजूद है अब तो उस पर वापस काम शुरू हो चुका है आप जाके देख सकते हैं तो कई लोग कहते हैं कि जमशेद जी टाटा जब वॉटसन होटल विजिट करने गए थे तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ये होटल बनाया गया था कई हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इस बात को अपोज़ भी करते हैं वो कहते हैं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं था जमशेद जी टाटा को बहुत ही रॉयल टच देना था इस होटल को एक बॉम्बे में एक लोगों को रॉयल फील करवाना था इसलिए उन्होंने द महल होटल ये जो है ऐसे बनाया अब इसके अलावा ताज होटल एक लौता ऐसा होटल था उस जमाने में जिसमें एयर कंडीशनड बॉल रूम था जहाँ पे महात्मा गांधी से ले लॉर्ड माउंट बेटेन तक ने स्पीच दी है तो ताज होटल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है 2611 के अटैक्स में हम सभी को पता है ताज पे ही अटैक हुआ था बहुत भारी तरीके से और फिर एक बार सुर्खियों में आ गया था कहीं बहुत अलग वे में लेकिन ताज होटल की हिस्ट्री बहुत रिच है और आज तक देश विदेश से लोगों को अपनी तरफ खींचती रहती है